गुजरात के मच्छू नदी पर बना यह पुल रविवार शाम अचानक ढह गया। इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह पुल प्राइवेट फर्म द्वारा 7 महीने तक मरम्मत के बाद सिर्फ 5 दिन पहले ही खोला गया था, लेकिन इसे अब तक नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलना बाकी था। 1 सदी से भी पुराना ये पुल कल शाम 6:30 बजे के करीब ध्वस्त होकर गिर पड़ा, जब लोगों की भीड़ से ये भरा पड़ा था। मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने बताया कि ये पुल ओरेवा कंपनी को रख रखाव और मेंटेनेंस के काम के लिए 15 सालों से दिया गया था। इसी साल मार्च में इसे रिनोवेशन के काम के चलते जनता के लिए बंद कर दिया गया था। रिनोवेशन पूरा होने के बाद इसे गुजराती न्यू ईयर 26 अक्टूबर के दिन जनता के लिए खोला गया था, लेकिन इसे स्थानीय नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि नेवी, NDRF, एयरफोर्स और आर्मी के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। करीब 200 लोगों की टीम पूरी रात काम करती रही। इस मामले में आपराधिक केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही IGP रेंज के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 132 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बचाव कामगिरी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल पूरी मोरबी की टीम के साथ सीधे संपर्क में थे। सभी मंत्रियों को आसपास में हो वहां पे पहुंचने की सूचना मिल गई थी। गृह मंत्री के होने से मुझे भी तात्कालिक स्थल पे पहुंचने की सूचना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने दी थी। किसी भी सरकार का इस प्रकार की जब घटना बनती है तो प्राथमिकता सबसे पहली यही होती है कि बचाव कामगिरी हो, और ये बचाव कामगिरी गुजरात सरकार ने बहुत ही तेजी से नीचे तक पहुंचाई। अभी तक करीबन 70 जितने लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। वहीं मोरबी पुल हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बचाव कार्य में हर संभव मदद मुहैया कराएं। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका, ये क्या कारण है और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या NDRF के हो उनको राहत मिलना चाहिए, कंपेंसेशन भी देना चाहिए, और वो जो घायल लोग हो गए हैं उनके मरम्मत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट। मोरबी पुल हादसा मामले में केबल ब्रिज का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कंपनी के खिलाफ IPC की धारा 304, 308 और 114 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तकरीबन 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मोरबी पुल हादसे पर पत्रकार परिषद कर अधिक जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए।